अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल ES Academy। तो जैसा कि हम क्लास 9 की मैथ स्टार्ट की थी हमने, तो आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। नीचे कैसे करनी है, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि बेस क्या होती है, हमने पढ़ लिया एक्सपोनेंट या पावर क्या होती है, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। अगर हम बेसिस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती, 3 है और 2 है समझ लें, अगर इस पर 3 पे 2 है और इस पर 3 पे 3 है, 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है और इसमें 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि बेसिस सेम है तो एक दफा लिख देंगे, और पावर जो है हमने क्या करानी होती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर ऐड हो जाती है। तो 3 प्लस 2 इज 3 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। और अगर मल्टीप्लीकेशन के बजाय कोई चीज डिवीजन में है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमारे पास चीज जो है वो डिवीजन में है, डिवीजन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। तो बेसिस सेम है, हम एक दफा लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व करना शुरू किया, ये बेस हमने एक दफा लिख ली। अब क्या करेंगे कि पावर जो है वो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 2, डिवीजन में हम पावर माइनस कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम पावर ऐड कराते हैं, और डिवीजन के अंदर अगर बेसिस सेम है तो माइनस कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, 5 - 2 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बेस इज 3 एंड 5 - 2 इज 3 की पावर 3, ठीक है। ये हम ब्रैकेट से अलग से शो कर देते हैं कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कैसे हुई, 5 - 2 से हुई। माइनस क्यों कराया, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन डिवाइड में था, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ये बेसिक लॉज होते हैं बेस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 कैसे सॉल्व होगा। पार्ट 2 के अंदर हम एक और नई चीज सीखेंगे कि हमने इसको ब्रेक कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 2 है, इसकी पावर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 5 है, बेस जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस 5 है और पावर क्या है, 3 है, ठीक है। डिवीजन यानी कि डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में हमारा वैल्यू है ये, तो वो क्या है, 10 की पावर 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ना तो यहाँ पे बेस सेम दिख रही है, ना ही हमारे पास यहाँ पे पावर सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब तक डिवीजन के अंदर हमारे पास बेस सेम नहीं होगी तो ना ही हम माइनस करा सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे के ब्रेकिंग करेंगे, किस चीज की ब्रेकिंग करेंगे, 2 की पावर 4 एज इट इज रहेगी, 5 की पावर 3 एज इट इज रहेगी, फ्रैक्शन में आते हैं 10 को ब्रेक करेंगे, 10 की पावर 2 को ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास बेसिस सेम हो जाए ताकि हम पावर को एड सब्ट्रैक्ट करा सकें, ठीक है। तो 10 को किस तरह से ब्रेक करेंगे कि हम कोई ऐसे डिजिट लेने हैं कि उनको मल्टीप्लीकेशन के बाद 10 आंसर आया हमारे पास, तो वो क्या है, 2 into 5, ठीक है, 2 into 5 is 2 multiplied by 5 is 10, ठीक है। तो हमारे पास पावर हम अलग अलग शो करा देंगे, ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 हो गया, 2 into 5 is 10, और पावर हमारे पास सेम है तो हम एक दफा लिखते हैं, हमें पता है, तो वापस हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 2, ठीक है। हमने आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, हमने क्या किया कि 10 को ब्रेक किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, 2 की पावर 4 5 की पावर 3 over 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, ठीक है। हमने क्या किया, 10 को ब्रेक किया, किसमें ब्रेक किया, 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेसिस सेम हो गई, अब इसको हम एड सब्ट्रैक्ट कराएंगे, डिवीजन हो रही है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे माइनस में ले लेना है, यानी कि माइनस कराना है। क्या कराएंगे, हम यहाँ पे ही इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो क्या कराएंगे,
यानी कि बेस हमारे पास हमने एक दफा लिख ली, अब क्या करेंगे पावर फोर में से हमने पावर कितनी माइनस करानी है टू, ठीक है, इनटू फाइव यानी कि बेसिस सेम है हमने एक दफा लिख ली, डिवाइड में है तो हमने अभी क्या कराना है थ्री माइनस टू कराना है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा टू की पावर फोर माइनस टू इज टू इंटू फाइव, थ्री माइनस टू इज वन, ठीक है, ये वन है, आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या बनेगा टू की पावर टू इंटू फाइव, ठीक है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देना है, टू टू जब फोर होता है इंटू फाइव, ठीक है, फाइव हमने यहाँ पे वन क्यों नहीं मेंशन किया क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डिजिट के ऊपर अगर कोई भी पावर नहीं होती तो वो वन होती है और उसका अगर साइन नहीं लिखा होता तो साइन क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डॉट क्या शो कर रहा है कि फोर और फाइव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फोर फाइव जब ट्वेंटी, ट्वेंटी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर वन की पार्ट थ्री पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट थ्री जो है वो हमने पहले भी सॉल्व किया है, हम क्या करते थे कि हम चीजों को माइनस करके देखते थे, कैसे माइनस करके देखते थे, पहले हम उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम उसको एक अलग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास जो थोड़ा सा बिगनर लेवल पे सिखाया जाता है वो क्या सिखाया जाता है कि बेसिस सेम है हमने एक दफा लिख लिया, ठीक है, और पावर हमारे पास क्या होगी माइनस होगी टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है सी प्लस डी एज इट इज रहेगा, यानी कि बेस हमारे पास सेम रहेगी, बेस हमारे पास दो दफा थी तो हमने एक दफा लिख ली और थ्री माइनस क्या होगा टू होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, टू माइनस वन इज वन, ठीक है, इन टू सी प्लस डी थ्री माइनस टू इज वन, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, लेकिन अब हम थोड़े से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, ये तो हो गया हमारे पास मेथड नंबर वन, ठीक है, इसको हम जल्दी करने के लिए यानी कि सेकंड मेथड हम अगर करें तो वो कैसे करेंगे, मैं क्वेश्चन दोबारा उतार लेती हूँ, क्वेश्चन हमने उतार लिया, अब उसको हम जल्दी से सॉल्व करने का तरीका सीख लेते हैं, तरीका क्या है कि हमें पता है कि डिवीजन में है यहाँ पे हम डिवाइड हो रहा है बेसिस सेम है तो हमने क्या करना होता है माइनस करना होता है, तो हम उसको शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि टू माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे वन है और ये टू है, टू माइनस वन इज वन होता है, कैसे इस ब्रैकेट से ये टू में से वन माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा टू माइनस वन इज वन, यहाँ पे दो थे और यहाँ पे वन था तो हमने क्या किया टू माइनस वन इज वन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, सी प्लस डी, सी प्लस डी यानी कि सी प्लस डी यहाँ पे क्या है थ्री है, सॉरी यहाँ पे टू भी है, ठीक है, थ्री में से टू हमने माइनस करे तो हमारे पास क्या बचेगा सी प्लस डी बचेगा यानी कि ए ब्रैकेट बचेगा, आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा ये आंसर आ गया, आई होप कि आपको ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी, हमने बहुत बेसिक लेवल से चीजें समझना शुरू करी हैं, हमने ये चैप्टर से ही सारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, 1.1 में भी हमने सारी चीजें रैशनल इरैशनल सारी चीजें अलग अलग करके बिल्कुल क्लियरली समझी थी, आई होप कि आपको वो वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो एक्सरसाइज जाके देख सकते हैं, हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू करते हैं सॉल्व 1.4 का, तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट हमने पढ़ ली है, एक्सपोनेंट हमें पता है कि क्या होते हैं, एक्सपोनेंट इन पावर्स को कहते हैं, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैसे करनी है वो अभी हम करेंगे, हमने क्या सीखा कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड करवा देते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने क्या सीखा बेसिस सेम है तो पावर ऐड कराते हैं, बेसिस सेम है मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो पावर हमने क्या करानी होती है ऐड करानी होती है, बेसिस सेम है डिवीजन हो रही है तो हमने क्या कराना होता है सब्सट्रैक्शन करानी होती है यानी कि हम माइनस कराते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है,
तो हमने ये लॉज पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होंगे, वैसे सेम है, क्या करेंगे, एक दफा लिख लेंगे। चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 1/3, ठीक है। 4 पावर 4 दी हुई है, प्लस उसी पावर क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। 4 + 5 = 9, ठीक है। 1/3 की पावर 9 हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, कोई भी परेशानी होगी। हमने ये क्या सीखा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि बेसिस सेम होती हैं, 1/3 है, 1/3 है, बेसिस सेम है, पावर क्या कराते हैं, ऐड कराते हैं, ठीक है। हमने बेस दोनों सेम थी, एक दफा लिख ली, पावर से कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो 4 + 5 = 9, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 4 + 9 = 5, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सेम है, तो उसको भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें और फिर मेरा आंसर आप अपने आंसर से मैच करिएगा, ताकि आपको चीजें खुद से भी करने की आदत हो, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, लेकिन हम इन चीजों को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं पे पॉज करके अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और फिर आंसर मैच करें। अगर आंसर मैच नहीं होता तो आप देखें कि आपने क्या गलती करी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3/4, यानी कि बेसिस सेम थी, हमने एक दफा लिख लिया। क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो पावर ऐड कराते हैं। 5 + 2, 5 + 2 = 7, यानी कि 3/4 पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। दूसरा आंसर भी आ गया। आई होप कि ये खुद से भी करने की कोशिश की होगी आप लोगों ने। अभी अभी इसको सॉल्व करके देखें और आप लोग अपने आंसर इस आंसर से मैच करते जाएं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। इसका पार्ट 3 देखेंगे। इसका पार्ट 3 हमारे पास है -4/5। पावर क्या दी हुई है हमारे पास, एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। मल्टीप्लीकेशन हो रही है, क्या हो रही है, -4/5। एक्सपोनेंट यानी कि पावर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमने सीखनी है। हमने साइन के बारे में अभी तक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर यहाँ पे -4/5 दिया हुआ है और यहाँ पे +4/5 दिया हुआ है, ठीक है, तो बेसिस सेम कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो माइनस को माइनस प्लस माइनस यानी कि रीड करके -4/5 कर देते हैं और उसकी पावर जो है वो ऐड करा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है। जब तक बेसिस एग्जैक्टली सेम ना हो, जब तक बेसिस एग्जैक्टली सेम ना हो और उनके साइन भी सेम ना हो, तब तक हम पावर ऐड नहीं कराएंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये सारी चीजें एमसीक्यूज में जान पूछ के देते हैं एग्जामिनर्स, कि जिन बच्चों ने बिल्कुल बेसिक से सही से अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये बात जरूर पता होगी कि हमने कंसीडर करना है साइन को भी, ठीक है। हमने सिर्फ बेसिस को नहीं देखना कि हमने डिजिट देखकर और हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब हमने सीख लिया है कि दोनों की पावर्स के साथ साथ हमने दोनों की बेसिस के साथ साथ हमने साइन भी देखने हैं। तो हमने साइन देख लिए, सेम थे, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4/5 पावर क्या है, 3 प्लस क्या होगा, 5, यानी कि दूसरी पावर। 3 + 5 = 4/5, ठीक है, 5 है ये, 4/5, 3 + 5 = 8, ठीक है। साइन हम भूल गए हैं, साइन हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। हमने छोटी सी बात एक और नई चीज सीख ली। क्या सीखी, कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होंगी, साइन सेम होंगे, तब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। हमने अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, या डिवीजन में भी ऊपर माइनस की वैल्यू है, नीचे प्लस की वैल्यू है, तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कराना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इसके पार्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। इसके पार्ट 4 में हमारे पास -3 × 5 की पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ब्रैकेट और 3। हमने इन क्वेश्चंस के अंदर ब्रैकेट का बहुत ख्याल रखा। जो बच्चे ब्रैकेट लगा के क्वेश्चंस नहीं करते उनके आंसर गलत आते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी हमें नीड होगी या जहाँ पे भी हमें ऑलरेडी गिवन होंगे उनको हमने अच्छे से क्वेश्चंस के साथ लेके चलना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस तरह से करेंगे, कि हमने पावर अप्लाई करनी है। पावर अप्लाई करने का मतलब क्या है, कि हमने ये जो पावर हमें 3 दी हुई है वो हमारे पास ये होल में पावर है, यानी कि ये 3 पे भी अप्लाई होगी, ये 5 पे भी अप्लाई होगी। किस तरह से अप्लाई होगी, पावर अप्लाई करना
भी हमें आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। माइनस थ्री हमारे पास ऑलरेडी था, पावर अप्लाई करेंगे यानी कि पावर्स को शो कराएंगे यहाँ पे अलग से। मल्टीप्लिकेशन हो रही है ब्रैकेट खोल के, टू हमारे पास ऑलरेडी पावर थी और सेकंड पावर हमारे पास यानी कि जो होल पावर थी वो हम फाइव पे भी अप्लाई करेंगे तो वो थ्री थी। ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पावर अप्लाई कर देंगे। पावर कैसे अप्लाई करेंगे कि हमने ये पावर साइन पे भी अप्लाई करनी है और डिजिट पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर हमारे पास पावर 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के डिजिट में होगी तो हमारे पास साइन जो है वो वही रहेगा, यानी कि अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास पावर जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के डिजिट में है तो वो हमारे पास साइन पॉजिटिव कर देती है। कैसे? हमने पढ़ा हुआ है माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे पास तीन दफा कोई साइन आ रहा है, प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एंड देन माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया एट दी एंड, माइनस, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस प्लस इज माइनस, माइनस 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 इज प्लस, ठीक है। लेकिन अगर सेम साइन तीन दफा करवाएं, अगर हम माइनस 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 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, ठीक है। तो हम 3, 7 इस तरह के जो डिजिट हैं उनके अंदर अगर पावर में भी वो अप्लाई हो रहे होंगे तो वो पावर एज इट इज रहेगी, वो पॉजिटिव नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है 3 का साइन माइनस ही रहेगा और 3 के ऊपर पावर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 3 के ऊपर पावर अप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई ब्रैकेट 5, 2 × 3 = 2, 3 = 6 क्या कराया हमने, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। 3 की पावर, पावर 3 और पावर 2 आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, 3 × 2 = 6 करा दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया -3 × 5 = 6। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, हमने साइंस भी क्लियर कर लिए। साइंस अगर 5, 3, 7 इस तरह के डिजिट्स में होंगे तो वो साइंस चेंज नहीं होंगे, खासतौर पे माइनस का साइन। पॉजिटिव पे तो ऑब्वियसली इतना अफेक्ट प्लस पे नहीं पड़ता, ठीक है। पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट 5 किस तरह से सॉल्व होगा? पार्ट 5 भी सिमिलर है। पार्ट 5 में भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट लगा देंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट 3, पावर अप्लाई कर रहे हैं, पावर अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि 3 पे भी अप्लाई होगा। 3 × (-4) ऑलरेडी जो पावर गिवन है वो क्या है, 2, और जो हम पावर अप्लाई कर रहे हैं बाहर वो क्या है, 3, ठीक है। ब्रैकेट वापस बंद कर देंगे। नेक्स्ट यानी कि हमने ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, इसको हम अगर सॉल्व करके देखें तो वो क्या होगा कि -4 × 2, 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए आंसर्स। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, ठीक है। इसमें यहाँ पे साइन दी हुई थी, इसमें यहाँ पे साइन दी हुई थी, ठीक है। तो हमने ये पावर इसके ऊपर अभी अप्लाई नहीं करी है इसलिए हमने साइन माइनस ही रखा है। लेकिन अगर हम 4 के ऊपर अप्लाई कर देंगे पावर, यानी कि 2 पावर अप्लाई कर देंगे 4 के ऊपर, तो 4 × 4 = 16 होता है और माइनस माइनस इज प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस का 16 की पावर 3 होती। लेकिन अभी हम बुक को कंसिडर कर रहे हैं तो बुक में हमारे पास पावर अप्लाई नहीं करी हुई, जस्ट पावर मल्टीप्लीकेशन तक ही आंसर रखा हुआ। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा डिजिट। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज के लिए छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि वो हमें एमसीक्यूज में इजीली सॉल्व कर सके हम उन चीजों को, ठीक है। तो इसका पार्ट 6 करेंगे अब हम, पार्ट 6 को सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 6 बहुत ही इजी है। पार्ट 6 में क्या करना है, बेसिस सेम है, पावर ऐड करानी है, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड करानी है। तो पावर पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक दफा लिख लेंगे बेस को,
माइनस ए ओवर बी सी, पावर क्या है 5, मल्टीप्लिकेशन हो गई तो एडिशन कराएंगे 5 प्लस 4, आंसर क्या आएगा माइनस ए ओवर बी सी, पावर क्या आएगी 5 प्लस 4 इज 9, ठीक है हमारा आंसर क्या आया माइनस ए ओवर बी सी की पावर 9, ठीक है आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, हमें पता है कि साइंस सारे बेसिस जो है सारी सेम है, साइंस भी उनके सेम है, अगर क्या होता कि इन दोनों की साइंस जो है माइनस होती और थर्ड वाले की साइन पॉजिटिव होती तो हम इन दोनों को सॉल्व करते, इन दोनों की बेसिस को ऐड करवाते, इसको एज इट इज रखते, इसको ऐड नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते क्योंकि इसकी साइन हमारे पास चेंज होती, लेकिन लकीली हमें तीनों साइंस सेम मिली हैं, तीनों बेसिस सेम मिली हैं, ठीक है तो हमने क्या करना है सबसे पहले बेस को एक दफा लिख लेना है, ठीक है सी है हमारे पास ओवर डी, ठीक है पावर क्या कराएंगे ऐड कराएंगे 2, फिर प्लस 2 प्लस 5 इज, हमारा आंसर क्या हो गया माइनस सी ओवर डी की पावर 8। हमने क्या किया कि बेसिस लिखनी, बेसिस लिखने के बाद हमने क्या कराया पावर को ऐड कराया, पावर को ऐड कैसे कराया कि हमने 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 इज 5 एंड 5 प्लस 5 इज 10, ठीक है तुम्हारा आंसर क्या आया माइनस सी ओवर डी की पावर 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 पे चलते हैं, तो हमने पार्ट 8 को सॉल्व करना है, पार्ट 8 कैसे सॉल्व होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है वेरिएबल जो जो हमें गिवन है वो हमने सेपरेट कर लेना है m, उसके बाद दूसरा m हमारे पास पावर क्या है 5, ठीक है उसके बाद फिर n पहली पावर 2, दूसरा n हमारे पास है 3, ठीक है और t हमारे पास क्या है 4 और 7, ठीक है इज इक्वल्स टू m 1 प्लस 5 इज एम 6, ठीक है एम 6 एंड 5 यानी कि 3 प्लस 2 इज 5 एंड 10 सॉरी एंड 10 एंड टी इज 4 प्लस 7 इज 11, ठीक है आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, ठीक है इसका पार्ट 9 भी सेम ऐसे ही सॉल्व हुआ, क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने वेरिएबल्स लिख लेने हैं A 2, फिर C 5 एंड B 2, फिर A 3 है तो A 3 को A के पास लिखेंगे, C 3 है तो C को C के पास, और फिर हमारे पास A 4 है तो A 4 लिख लिया, ठीक है चाहे तो हम इसके ऐसे ब्रैकेट्स भी बना सकते हैं सेपरेट ब्रैकेट्स, ठीक है तो A के पास हमारे पास क्या क्या है A 2 प्लस 3 इज 5 एंड 5 प्लस 4 इज 9, ठीक है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा A 9 हो गया, ठीक है ये 9 है A नहीं है, ठीक है C C हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इज 8 एंड B इज 2, यहाँ पे 4 भी है, ठीक है B 4 एंड प्लस 2 इज 6, ठीक है तो B हमारे पास आंसर क्या आएगा 6, ठीक है A 9 C 8 एंड B 6, आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक, यहाँ बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है पार्ट 10 करेंगे, पार्ट 10 क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको 10 को सेपरेट कर लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है इनडायरेक्टली वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है इससे, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया ब्रैकेट लगा लिया, अब ब्रैकेट लगाने के बाद हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, यानी कि ब्रैकेट यहाँ पे x का ब्रैकेट हमने बना लिया, यहाँ पे सारे x के वेरिएबल्स के अंदर सारे y के लिखेंगे और इसके अंदर सारे z के लिखेंगे, ठीक है तो देखते हैं कितने कितने ब्रैकेट्स हमारे पास फिल होते हैं, x 4 है तो पहला x 4 लिख लिया, सेकेंड है x 2, ठीक है थर्ड हमारे पास नहीं है तो x के अंदर कितने वेरिएबल्स हो गए 2, y के अंदर y 6 है और y 3 है, z 2 है, z के पास और कोई वेरिएबल नहीं है, z अकेला है, ठीक है 10
ठीक है, एक्स कितना होगा, 4 + 2 = 6, ठीक है, वाई, वाई कितना होगा, 6 + 3 = 9, ठीक है, जेड कितना होगा, जेड हमारे पास 2 होगा, ठीक है, आई होप कि ये क्लियर होगा। तो पार्ट 9 सॉल्व कर लेंगे। पार्ट 9 में हमारे पास क्या है इसको देखते हैं। पार्ट 9 में भी सेम चीज करनी है, 3/5 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, R का ब्रैकेट, S का ब्रैकेट, T का ब्रैकेट, R 3 है, ठीक है, S 2 है, फिर R में आ जाएंगे, R 7 है, ठीक है, फिर T 2 है और S 2 है, ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो अब इसको आगे हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। T हमारे पास एक ही है और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। 3/5 हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, उसके बाद हमने लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद क्या करना है, R 3 है और R 7 है, यानी कि R 3 + 7 = 10, ठीक है, उसके बाद S 2 + 2 = 4 एंड T हमारे पास 2 ही था तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बड़ा मजे का है, नेक्स्ट बहुत ईजी सा है। उसमें क्या करना है, हमने माइनस साइन को अभी बाहर ही रखना है, उसको अभी हमने सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो 1/m बेसिस सेम है, हमने एक दफा लिख लिया, ठीक है। पावर्स क्या करेंगे, पावर्स हमने ऐड करानी है, ठीक है, 4 + 5 + क्या करना है, -1/m, यहाँ पे माइनस है अंदर भी, तो ये आपने ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। 4 + 5 = 9 एंड 4 + 5 = 9 and 9 + 3 = 12, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को इससे सॉल्व कर देना है। माइनस माइनस इज प्लस 1/m की पावर 12, हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी 1.4 का कंप्लीट हो गया, सारे पार्ट्स हमने कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। फाइव यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो उसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका हमें पता है कि बेसिस सेम है, 5 की पावर 2 दी हुई है और 3 दी हुई है, तो हमने क्या करना है, 2 + 3, हमारे पास 5 बेस में दिया हुआ है और पावर्स कितनी दी हुई है, 2 और 3, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे कि 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, यानी कि 5 की पावर 6 हमारे पास आंसर आ गया। हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों करी, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इसलिए करी क्योंकि हमें पता है कि 2 पावर्स होती हैं, तो हमने क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जब बेसिस सेम होती हैं और वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई ब्रैकेट, क्या करेंगे, 3 × 5 = 15 कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट क्रॉस, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे पास अगर हम यहाँ पे भी आंसर लिख कर आएंगे वो भी ठीक है, लेकिन समटाइम्स बुक्स वगैरह में हमारे पास अलग से अप्लाई करी हुई होती है पावर, अगर 2 वेरिएबल्स होते हैं तो ये पावर हम क्या करेंगे, इस पे भी अप्लाई कर देंगे और इस पे भी अप्लाई कर देंगे, तो x15 × y15 भी हमारे पास आंसर हो सकता है, और करके अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमें परेशान नहीं होना कि ये किस किस्म का आंसर आ रहा है या बुक का आंसर चेंज है, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी हमने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पार्ट 3 हमने खुद से कोशिश करनी है कि हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। उसमें क्या है देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमने -4 as it is लिख देना है, 2 × 5 = 10, ठीक है, हमारे पास -4 की पावर क्या आ गई, 10, हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 2 डिजिट आ गए, तो हमने परेशान नहीं होना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पता है कि हमने इनको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पावर्स अप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 के ऊपर 1 पावर 3 थी, उसके साथ क्या किया हमने, ये वाली पावर भी अप्लाई कर दी, 7 लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4, पावर ऑलरेडी कितनी थी,
टू गिवन थी और ये वाली भी इसके साथ अप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी 2 into 3। क्या आंसर आएगा हमारे पास? -3, 3 3 is 9, यानी कि -3 की पावर 9। दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा? -4 की पावर 2, 3 is 6। ठीक है, हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगर ये बेसिस सेम होती तो हम इस 9 और 6 को प्लस करते, लेकिन ये बेसिस यानी कि -3 है और एक ही -4 है तो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये बेसिस अलग है तो इनको हम एड सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने समझा हुआ है, क्या करेंगे? सबसे पहले बेसिस अलग है तो पावर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, ओवर 5 की भी ब्रैकेट बना देंगे, पावर अप्लाई कर देंगे 3 इस पे भी और 3 इस पे भी। हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हमारा आंसर क्या बनेगा? b की पावर 2, 3 is 6। ठीक है, और 5 की पावर 3। ठीक है, 2, 3 is 6 क्यों हुआ? यहाँ पे ऑलरेडी 2 पावर गिवन थी b के ऊपर, 2, 3 is 6 कर दिया। यहाँ पे 5 की पावर जस्ट 1 थी, 3 1 is 3 रह गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो भी क्या है कि ब्रैकेट -4/9 हमें एडिटिव रखना है, 2 हमारे पास ऑलरेडी पावर है और इस पावर को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने 3 कर दिया। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? -4/9, 3 2 is 6। इसमें क्या चेंज है और इसमें क्या चेंज है? इसमें चेंज ये है कि इसमें सिर्फ बी के ऊपर पावर थी तो हमने 3 2 is 6 सिर्फ बी के साथ किया था। इसमें हमारे पास 2 पावर्स होल की थी, यानी कि एक ब्रैकेट के ये वाले ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई थी 2 और एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई थी 2। ठीक है, 3 इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर पावर कितनी दी हुई थी? 3 दी हुई थी। ठीक है, 3 2 is 6 कर दिया और हमने ये होल पावर अप्लाई कर दी। इसको अगर हम चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4/9 इसकी भी पावर 6 और इसकी भी पावर 6। लेकिन अगर हम यहाँ तक भी करेंगे तो आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि z की पावर कितनी हो जाएगी? 3 2 is 6 हो जाएगी। z की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 में भी हमने वही काम करना है जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। m2 यानी कि 1+2, m+3, m+4, ठीक है, होल पावर और एक कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर? बेसिस सेम है, हमने एक दफा लिख लिया, ऐड कराएंगे, 1+2 is 3, 3+3 is 6 एंड 6+4 is 10। ठीक है, तो हमारे पास m की पावर कितनी आ गई? 10, 2 एक पावर और 3 एक पावर है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? m 10 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? 3 2 is 6। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि ये 5 है, 2 5 का क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, हमारे पास m into m is m की पावर 10 और होल पावर 10, तो m 10 10 100 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये हम सबको पता है कि माइनस हमने बाहर रखना है, ब्रैकेट फिर एक और ब्रैकेट। अच्छा, बेसिस सेम है, एक दफा लिख लेंगे, -0.1, 2+3+4 और एक होल ब्रैकेट। क्या करेंगे? -0.1, 2+3 is 6, 2+3 is 5 एंड 5+4 is 9 और होल कितना दिया हुआ है हमारे पास? पावर 2। तो इसको हम और सिंप्लीफिकेशन में कर देंगे कि 0.1 2 में दिया हुआ है 9 is 2 9 is 18। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया? -0.1 18। अब क्या करेंगे? -, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 0.1 की पावर 18।
आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा. हमने 1.4 भी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं. इन क्वेश्चंस को केयरफुली करना होता है. इन क्वेश्चंस को ब्रैकेट देखकर, साइन देख के, पावर देखकर, मल्टीप्लिकेशन के साइन देखकर सब कुछ सॉल्व करना होता है. ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं. कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग में नहीं छोड़ा. ये हमारी लेगेसी है जिसको हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं. क्योंकि ये बुक नई है और इसकी कोई गाइड भी एसेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो अब हमने इनको सारे क्वेश्चंस को खुद से केयरफुली सॉल्व करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. इनके इसके एमसीक्यूज या फाइव ईयर भी एसेट अभी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो हम बेसिक से समझेंगे ताकि अगर हमारे पास एमसीक्यूज बुक से भी आए तो हम इजीली सॉल्व कर सके. तो आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. तो डू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.